हेलो एंड नमस्कार, मैं अनु दीवान। स्वागत है आपका लाइव इंटरैक्टिव सेशन में और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10। आज का हमारा सेशन है मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3, जिसके लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं मिस सविता गर्ग, टीचर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र। हेलो मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो अनु जी, और हमारे सभी दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। मैम, इस सेशन की शुरुआत से पहले हम अपने व्यूवर्स को, अपने लर्नर्स को जानकारी दे दें कि अगर इस सेशन से जुड़े उनके पास कोई भी सवाल हो तो वो हमें कॉल कर सकते हैं 8800440559 पर, या फिर वो हमें अपनी क्वेरीज मेल कर सकते हैं dth.class10@cit.nic.in के ऊपर। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन G20 से रिलेटेड। वी आर प्राउड दैट इंडिया एज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म, इंडियाज G20 प्रेजिडेंसी वुड बी अ वाटरशेड मूवमेंट इन हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशंस फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, meaning the world is one family. So ma'am, let's begin up with the session, quadratic equation part 3. Learners, please take your notes and pens with you, because mathematics chapter needs you to note down all the important notes with yourself. Ma'am, shall we begin with the session? Ji bilkul Anu ji, let us start with the session. जैसा कि अभी अनु मैम ने बताया कि हमारे सभी दर्शक अपने साथ नोटबुक पेन लेकर जरूर बैठे। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड दिस इज पार्ट 3। वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वी हैव स्टडीड दैट हाउ मेनी वेज फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर देयर। सो लेट अस हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द सेम एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर व्यूअर्स, पिछले दोनों सेशंस में भी हमने डिस्कस किया है दैट एनी इक्वेशन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन वी कैन से दैट ax² + bx + c = 0, दिस इज एन इक्वेशन। एंड इन दिस इक्वेशन इफ आई से दैट दिस a इज नॉट इक्वल्स टू 0, that means the coefficient of x square, which is a here, is not equals to 0, only then we will say that yes, this is an quadratic equation. So ab ye quadratic equation hai aur iske baad hum discuss karte hain roots of quadratic equations ko. कोई भी x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू के लिए आपकी कंप्लीट इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, और यू कैन से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं, तो एक्स की उस वैल्यू को आप बोलेंगे कि यस, दैट इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस सी अ स्मॉल एग्जांपल फॉर द सेम। अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं लेट इट बी 2x² - 3x + 1 = 0, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री इज 2, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक। एंड इफ आई एम आस्किंग यू दैट x = 1, इज दिस value a solution of the given quadratic equation or not? You can say solution, you can say is this value a root of the given quadratic equation or not? So how can you solve this? In place of x you will just put 1, so it is 2 × 1 × 1 - 3 × 1 + 1, so we people are getting 2 - 3 + 1. So we can see that left and right sides both are equal, both are equals to 0. Therefore, x = 1 is a root of given quadratic equation. ऐसे ही अगर कोई value जो आप x के place पर put करते हैं और हमारी quadratic equation को वो value satisfy नहीं करती, then you will say that no, this is not a root of the equation. तो ये तो था कि directly आपको कोई value अगर given है, आप पे खुद check करने वाले हैं कि ये वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है। बट व्हाट इफ यू योरसेल्फ हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई भी एक्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें खुद से सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें पता है कि देयर आर टोटल 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दीज 3 मेथड्स आर फैक्टराइजेशन मेथड, अबाउट विच वी हैव प्रैक्टिस्ड इन आवर फर्स्ट सेशन, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
And the last is quadratic formula. So let us discuss a few more questions about which we already have studied. Some more questions are here. Here is one question that solve the following quadratic equation by factorization method. So एक method से हमने इस question को already पहले solve किया था, in which we have applied the identity for a square minus b square, which is a plus b into a minus b. Now let us try solving the same question by another method. What it is, if you will solve a minus b whole square and a plus b whole square, so we will be getting that it is 16 into x square plus 16 negative x equals 9 into x square plus 16 positive 8x. On solving it further, we are getting 16x square. 16 times 16, we all know that it is 256 minus 16 times 8. So what is 16 times 8? It is 128x. This is your left hand side. और इसी तरह से जब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, सो हियर वी आर गेटिंग 9x स्क्वायर प्लस 144 प्लस 72x. तो इस तरह से हम अपनी इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद, नाउ वी आर गेटिंग 7x स्क्वायर प्लस 256 माइनस 144, विच विल बी 112 अनडाउटेडली, एंड देन negative 128x and negative 72x. So we need to solve this equation further. It is 7x square negative. On solving this, undoubtedly hamare paas 200x aa raha hai, and the constant values inhe solve karne par you are getting 112, and this complete expression equals to 0. Yani ye hamare paas ek quadratic equation ki form mein samne aa gayi hai. तो अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप फैक्टर्स बनाएंगे, एंड देन यू कैन सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द अदर मेथड इज समहाउ टेक्निकल, बट दैट इज मच मोर कन्वीनियंट, विच वी ऑलरेडी हैव स्टडीड, फॉर विच यू शुड विजिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट टू सेशन. और लेट मी गिव यू अ क्लू फॉर द सेम अगेन. वी कैन री राइट द गिवन इक्वेशन एज दिस. 16, इट इज द स्क्वायर ऑफ 4. 9 is the perfect square of 3. So you can also write the given equation as 4x, 4 into x minus 4 whole square minus 3 into x plus 4 whole square equals to 0. And further, you will apply the identity a square minus b square to solve the equation. Now let us discuss the next question. What it is? It is find the values of p and q. Hamare paas do unknown constants hain. These constants are p and q. हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच एक्स इक्वल्स टू 3/4 एंड एक्स इक्वल्स टू -2. दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो सबसे पहले हमने आज बिगनिंग यहीं से की थी कि अगर कोई वैल्यू गिवन है कि येस दिस वैल्यू इज द सॉल्यूशन और इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो इसी तरह से जब हम एक्स इक्वल्स टू 3/4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो this value will surely be satisfying the given quadratic equation. So in place of x, let us put the same. We are getting 9p divided by 16 plus 3q divided by 4 minus 6 equals to 0. This is the first equation. If we consider 16 as LCM, so what we are getting, we will get 9p plus 12q minus, we can see that the denominator 6 of 6 is 1 here. So 16 times 6, that will be written 96. Therefore, the first equation with us is 9p plus 12q minus 96 equals to 0. Similarly, the other value of x, which is x equals to negative 2, this also satisfies the given equation. Therefore, the second equation is negative 2 square into p, which is 4p. Negative 2q, negative 6 equals to 0. तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां से दो equations in form of p and q हमारे सामने हैं. इन दोनों equations को linear equations के method से आप solve करेंगे, as we can see that now these both are linear because the degree of p and q 1 and 1. So second equation can be multiplied by 6, and on multiplying it by 6, we are getting 24p, it is p, dear viewers,
So it is 24p minus 12q minus 36 equals to 0. On solving these equation number 2nd and 3rd, as we have considered the given equation as first equation, so in dono equations ko humne assume kar liya that these are our equation number 2 and equation number 3. Abhi in dono equations ko solve karne ke liye, what we are doing? Adding both of these, due to which you people are getting that 33p negative negative becomes positive, and 90 plus 30 we know 120, it is 132 equals to 0. On solving it further, we are getting that p equals to 132 divided by 33, because of which the value of p is 4. After this p ki ye value aap equation number 2 mein bhi put kar sakte hain. You can also put the same value in equation number 3rd to get the value of q. So this is the method for finding the given unknown constants by using the concept of quadratic equations and its roots. Now let us see the next question again. A very good question this is. Hame check karna hai yahan par whether the given values are the solutions of the given equation or not. So let us solve it for the second value, x equals to b by a. X equals to a by b, is value ke liye you will solve the equation on your own. Aur aap hame batayenge ki whether this value is a solution of given equation or not. So this is your equation number 1 again. Let us put x equals b by a in equation number 1st to check whether it is a solution of given equation or no. So we are getting a square into b square divided by a square, negative 3ab into b upon a plus 2b square. As we can see that x is the variable here. तो x के प्लेस पर हमें पुट करना है b upon a. And as a result, we are getting b square negative 3b square positive 2b square. So left hand side is 3b square minus 3b square, which is again 0. Therefore, you will say yes, x equals b by a is a solution of the given equation. बिल्कुल इसी तरह से, there is one more question, which is that we need to apply the method of quadratic equations factorization method to solve this. I would like our viewers to solve this question on their own. Now let us proceed ahead. This question will also be done by our viewers. So isliye screen par hum ise for 2-3 seconds rakh rahe hain so that our viewers can solve it later and they can share the solutions with us. Now the method of completing the squares, dear viewers, method of completing the squares ka use karte hue, how can we come to the quadratic formula that we already have discussed. So humare paas solve karne ke baad value of x from here will be negative b positive negative under root of b square minus 4ac divided by 2a. These two will be the solutions of the given quadratic equations by solving the question by using completing the square method. और अगर हम completing the square method से इस general equation को solve करते हैं, ये solution हमारे पास जो आता है, इसी solution को हम बोलते हैं that this is known as the quadratic formula. Now here is a question that solve the following quadratic equation by using completing the square method. Now let us write an equation and let us solve that equation by using completing the square method. Let that equation is 3 root 2 x square minus 5x minus root 2 equals to 0. Is equation ko agar hum solve karte hain to what we are getting? Sabse pehla jo concept hai, x square ke coefficient ko hum banate hain 1. So it will be x square negative 5 upon 3 root 2 x negative root 2 divided by 3 root 2 equals to 0. Dear viewers, kuch questions aise hote hain jinhe hum factorization method se bahut easily solve kar sakte hain. There are some questions for which you need to use the quadratic formula. Lekin agar aapke question mein specially mention hai that solve this by using completing the square method or whatsoever method is already mentioned in your question, in that case it is a must कि आप उसी मेथड का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू अभी आ रही है, इट इज 1/3. दिस नेगेटिव 1/3 को जब आप राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, इट बिकम्स पॉजिटिव 1/3.
और हमने सीखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कि हम दोनों तरफ किसी चीज़ का स्क्वायर ऐड करते हैं, और किस चीज़ का स्क्वायर ऐड करते हैं, जो भी एक्स का कॉफिशियंट है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स का कॉफिशियंट है 5/√2, उसे 2 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है, हेयर इट इज 5/6√2, ये सेम वैल्यू आप स्क्वायर करते हुए दोनों तरफ ऐड करेंगे. यू नीड टू ऐड द स्क्वायर ऑफ द कॉफिशियंट ऑफ एक्स, बट बिफोर दैट यू नीड टू डिवाइड द कॉफिशियंट बाय 2. सो हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, विच कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 5/6√2 होल स्क्वायर इक्वल्स 1/3 प्लस 25 डिवाइडेड बाई, हेयर इट कैन बी रिटन एज 6² √2² दैट मीन्स 36 × 2 विच इज रिटन एज 72. सो आफ्टर दिस वी आर एबल टू गेट दैट एक्स माइनस 5/6√2 इक्वल्स पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट ऑफ 1/3 इज हियर एंड प्लस 25/72 इज हियर. सो 72 कैन बी कंसिडर्ड एज एलसीएम एंड दिस कैन बी सॉल्व इजीली नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो डियर व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि जो दो रूट्स आप निकाल रहे हैं उनमें से एक रूट में ये साइन पॉजिटिव और दूसरे रूट में ये साइन नेगेटिव काउंट होता है, और हमारी जो भी यहां से सॉल्व करके वैल्यू आ रही है एक्स की, वैल्यू विल बी 5/6√2 पॉजिटिव नेगेटिव द सेम वैल्यू विच वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर ऑन सॉल्विंग. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया दैट फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी आर गेटिंग द वैल्यू टू बी दिस. अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अलग वैल्यू मैंने यहाँ रूट के नीचे लिखी है, हियर आई हैव रिटन रूट डी, बट जब हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को डेवलप किया है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एट दैट टाइम इन प्लेस ऑफ डी यू वर गेटिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो डियर व्यूअर्स, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को रीराइट कर रहे हैं, या इसके लिए हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, दैट नोटेशन इज डी, एंड दिस डी इज नॉन एज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ आर इक्वेशन. दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट अस डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेचर ऑफ रूट्स, जैसे हमने अभी बात की कि x इक्वल्स टू बी बाई ए, या फिर x इक्वल्स ए बाई बी, या फिर किसी क्वेश्चन में x इक्वल्स 3/2 और -2 और व्हाटसोएवर, ये वैल्यूज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं हैं, तो बेसिकली इन रूट्स की कोई एक नेचर होती है. जैसे हम ह्यूमन बींग्स की नेचर होती है ना, ऐसे ही रूट्स की भी नेचर होती है, और रूट्स की जो नेचर है वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. क्या नेचर होती है? नेचर डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ डी पर, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर बी इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स, ए इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म गिवन इन आर इक्वेशन. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद देखिए तीन तरह के आंसर्स यहां से पॉसिबल हो सकते हैं. तो फर्स्ट इज, हो सकता है कि डी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है कुछ भी ग्रेटर देन 0, दैट कैन बी 4, दैट कैन बी 5.2, दैट कैन बी √7, दैट कैन बी 700, या कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव आंसर आना पॉसिबल है. ऐसे ही हो सकता है कि आपने डी को सॉल्व किया एंड यू आर गेटिंग इट एग्जैक्टली 0, और ये भी हो सकता है दैट द वैल्यू ऑफ डी इज लेस देन 0. पहले हम एक बार डी निकाल लेते हैं. By taking an example, let me say that there is an equation 3√3x² plus 10x plus √3 equals 0. So, in this equation, we can see this is the value of a, this is b, and this one is c. So, if you calculate from here, so you will go for b square minus 4a, that is 3√3 into c. On solving it, we are getting 100 minus 4 times 3 times 3. That means 4 into 9, which is 36. So 100 minus 36, that is 64. So 64 jo value hai, this is greater than 0.
ऐसे ही ये भी पॉसिबल है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर डी की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आ रही है। तो क्या होता है इन तीनों केसेस में, जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है ना, हमने अभी रूट्स निकाले नहीं हैं, बट हम फिर भी बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो गारंटीड रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल होंगे। इसी तरह से अगर डी एग्जैक्टली जीरो आ रहा है तो डी के जीरो आने के केस में यू विल से कि हमारे जो रूट्स हैं वो गारंटीड रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। एंड द थर्ड केस विच वी आर डिस्कसिंग हियर दैट इफ डी इज लेस देन जीरो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर रूट के नीचे जो वैल्यू आनी है वही नेगेटिव आ जाती है, तो इन दैट केस योर रूट्स बिकम्स इमेजिनरी। सो हियर वी विल से दैट रूट्स आर इमेजिनरी, और यू कैन री राइट इट एज रूट्स आर नॉट रियल। रियल नहीं होंगे हमारे रूट्स अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है। अप टू क्लास 10th अभी तक आपने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि रूट के नीचे कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है और आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अनडाउटेडली इस तरह की वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, एंड अबाउट विच यू विल स्टडी इन यूर क्लास 11th इन डेप्थ। राइट नाउ लेट अस डिस्कस, जो हमने अभी डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया है कि इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो इन दैट केस क्या होता है, इफ डी इक्वल्स टू जीरो इन दैट केस, और इफ डी इज नेगेटिव इन दैट केस नो रियल रूट्स, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। सो इसी तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, आई विल टेक टू मोर मिनट्स, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, व्हाट इट इज, For what value of k, the equation, this is the given equation, this has real roots. Now, dear viewers, हमें सिर्फ ये दिया है कि k की क्या value हो कि इस equation के roots real हो जाएं। उसने ना equal बोला है ना unequal बोला है, that means in this case we will write that since the roots are real, so the value of d that can be greater than 0 or that can be equals to 0. Roots can be real and equal, roots can be real and unequal. So we can see clearly कि a की value यहाँ पर है 1, b equals to 4 and c equals to k. Therefore, b square minus 4ac is greater than 0, which comes as 16 minus 4 into k is greater than equals to 0. And on solving this inequation, I'm not saying equation, यहाँ पर sign of inequality भी है, greater than का sign है, तो this is inequation. Now, dear viewers, यहाँ बहुत important concept आपका आता है कि ये negative signs जो है वो दोनों तरफ है. तो देखिए, अगर मैं कहीं पर लिखती हूँ negative 3 is greater than negative 5, हम सबको पता है कि ये एक true statement है. बट अगर मैं ये लिखती हूँ 3 इज ग्रेटर देन 5, मतलब अगर मैं नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से कट करके ये लिख दूँ, तो क्लियरली ये फॉल्स स्टेटमेंट है. यानी कि जैसे ही इनइक्वालिटी के आपके नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट होंगे, सिमिल उसके साथ ही साथ साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी जो है वो चेंज होगा. सिमिलरली हियर आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे एंड एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग दैट के इज लेस देन इक्वल्स टू 4. This is a question which I would like our viewers to solve on their own. Real and equal roots. And here is one more bundle of questions for practice. So that's all for today. If our viewers have some problems related to the same concept, they can share that with us. That's it. Call us on the number 8800440559 and also on the email ID dth.class10@ciet.nic.in. Thank you so much, ma'am, for this session. जी, thank you, Anu ji. Thank you. Viewers, अभी आप कहीं मत जाइएगा. इसके बाद हमारा एक और session है, वो है class 9 का story writing English में.
तो कहीं मत जाइएगा. And we are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed movement in the history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, that is the world in one family. Namaskar.